हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और साथ में सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा 50 महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नों की जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो का पहला प्रश्न है, और वो प्रश्न है, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन चार दिए हुए हैं, पहला 1973, दूसरा दिया है 1970, तीसरा दिया हुआ है 1972 और चौथा दिया हुआ है 1971। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1972 सही हो जाएगा। 1972 तक मेघालय असम का भाग था। 21 जनवरी 1972 को खासी हिल, जयंता हिल्स और गारो हासी को मिलाकर मेघालय का निर्माण किया गया। दूसरा प्रश्न, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन चार है, पहला बेरन द्वीप, दूसरा है बाराटांग द्वीप, तीसरा है कार निकोबार और चौथा है हेवलॉक द्वीप। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बाराटांग द्वीप सही हो जाएगा। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी आंदमान व निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे जलकी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन चार हैं, पहला छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा और चौथा सिक्किम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चौथा प्रश्न, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ऑप्शन चार है, पहला झेलम, दूसरा व्यास, तीसरा सतलज और चौथा रावी। इसका ऑप्शन नंबर सी सतलज सही हो जाएगा। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिपकी दर्रे में प्रवेश करती है। पाँचवा प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन चार है, सिंधु, दूसरा रावी, तीसरा झेलम, चौथा व्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी झेलम से हो जाएगा। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। छठवां प्रश्न, कायल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन चार है, पहला कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी केरल से हो जाएगा। कायल केरल में पाए जाते हैं। यह मछली पकड़ने व अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोगी होते हैं। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी पुन्ना मदा कायल में आयोजित की जाती है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन चार हैं, पहला विजाग बंदरगाह, दूसरा पारादीप बंदरगाह, तीसरा कोची बंदरगाह और चौथा मुंबई बंदरगाह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कोची बंदरगाह सही हो जाएगा। केरल का कोची बंदरगाह एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वेमनाद कायल में स्थित है। आठवां प्रश्न, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। ऑप्शन चार है, पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल और चौथा बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश सही हो जाएगा। भारत की कुल थल सीमा 15,106 किलोमीटर है। इसमें भारत के 92 जिले व 17 राज्य शामिल है। भारत की जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। इसमें 13 राज्य और व केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। बांग्लादेश के भारत की थल सीमा 4,096 किलोमीटर है। चीन के साथ भारत की कुल सीमा 3,488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ भारत की कुल सीमा 3,323 किलोमीटर है। नौवां प्रश्न, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है। ऑप्शन चार है, पहला गादयुक्त मिट्टी, दूसरा है दोमट मिट्टी, तीसरा है चिकनी मिट्टी और चौथा है रेतीली मिट्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोमट मिट्टी सही हो जाएगा। दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और हामूस का मिश्रण होता है। दोमट मिट्टी जो है वो आपका रेत, चिकनी मिट्टी और हामूस का मिश्रण होता है। इसमें जल संचय की क्षमता अधिक होती है। इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए जरूरी होते हैं। दसवां प्रश्न, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है। ऑप्शन चार है, पहला साबरमती की सहायक नदी, दूसरा है कच्छ के रण, तीसरा है अरब सागर और चौथा माउंट आबू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कच्छ के रण सही हो जाएगा। लूनी नदी का उदय राजस्थान में अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से होता है। यह नदी कच्छ के रण के दलदल युक्त क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। 11 नंबर प्रश्न, चिरिया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन चार है, पहला बिहार, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी झारखंड से हो जाएगा। चिरिया झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है। यह चिरिया लोह खदान भारत की सबसे बड़ी लोह अयस्क खदान है। यहाँ पर 2,000 मिलियन टन का लोह अयस्क भंडार मौजूद है। इस खदान में भारतीय स्टील प्राधिकरण द्वारा काम किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ऑप्शन चार है, पहला जलीय पौधे, दूसरा मैनग्रोव, तीसरा है अल्गल ब्लूम्स और चौथा है भूमध्य सागरीय वन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मैनग्रोव सही हो जाएगा। मैनग्रोव एक किस्म का झाड़ी नुमा पौधा है। यह इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है। भारत में सुंदर वन में मैनग्रोव पाए जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न, लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? ऑप्शन चार है, पहला मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाटाइट और चौथा है सिडराइट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट से हो जाएगा। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट की गुणवत्ता थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। 14 नंबर प्रश्न है, सुंडा ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर और चौथा अरब सागर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर से हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। 15 नंबर प्रश्न, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनूहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन चार है, पहला कावेरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा गोदावरी और चौथा नर्मदा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कावेरी सही हो जाएगा। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के में कर्नाटक से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 765 किलोमीटर है। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक थी? ऑप्शन चार है, पहला 1901 से 11, दूसरा है 1921 से 1931, तीसरा है 1921 से 1931 और चौथा है 1911 से 1921। तो ऑप्शन नंबर इसका डी 1911 से 1921 सही हो जाएगा। 1901 से 1921 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या दर काफ़ी स्थिर थे। इसी कारण 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या विकास दर नकारात्मक रही। 17 नंबर प्रश्न, एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? ऑप्शन चार है, पहला 10 डिग्री, दूसरा 15 डिग्री, तीसरा 20 डिग्री और चौथा 25 डिग्री। तो इसको ऑप्शन नंबर बी 15 डिग्री से हो जाएगा। समानतः 15 डिग्री देशांतर पर समय में एक घंटे का अंतर होता है। 18 नंबर प्रश्न, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन चार है, पहला कपास कपड़ा उद्योग, दूसरा है रेशम उद्योग, तीसरा है पेट्रोलियम उद्योग और चौथा है सीसा उद्योग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रेशम उद्योग सही हो जाएगा। कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,387 किलोमीटर है। 19 नंबर प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? ऑप्शन चार है, पहला गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा तीस्ता और चौथा दामोदर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गंगा से हो जाएगा। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी किनारे स्थित है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूर है। यह बांध 1972 में बनकर तैयार हुआ था। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन चार है, पहला नमक उद्योग, दूसरा पेट्रोलियम उद्योग, तीसरा कागज उद्योग और चौथा कपड़ा उद्योग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम उद्योग से हो जाएगा। नूनमती असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल संशोधन कारखाना किया गया था। 21 नंबर प्रश्न, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय में की गई थी? ऑप्शन चार है, पहला पहली, दूसरा दूसरी, तीसरा है तीसरी और चौथा चौथी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दूसरी सही हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल 1956 से 1961 है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई थी और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में की गई थी। 22 नंबर प्रश्न, इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? ऑप्शन चार है, पहला रुपाई, दूसरा है स्थानांतरण कृषि, तीसरा है मिश्रित कृषि और चौथा है बागवानी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी स्थानांतरण कृषि सही हो जाएगा। यह स्थानांतरण कृषि है। इसे मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुला में कोनुको और ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मोसले और वियतनाम में रे कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला रावी, दूसरा है सतलज, तीसरा है झेलम और चौथा है सिंधु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रावी सही हो जाएगा। रणजीत सागर बांध को थीएम डैम भी कहा जाता है। यह जल विद्युत परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा पर निर्मित की गई है। इस झील का 60% भाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस परियोजना का कार्य 1981 में शुरू हुआ था और 2001 में यह कार्य पूरा हुआ था। इसकी उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। 24 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला भीमा नदी, दूसरा है कृष्णा नदी, तीसरा है गोदावरी नदी और चौथा है पैनगंगा नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और बबली परियोजना बांध महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में जल के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद है।
25 नंबर प्रश्न है, वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला पृथ्वी के सतह के ऊपर, दूसरा है पृथ्वी के सतह के नीचे और वाटर टेबल के ऊपर, और तीसरा है पृथ्वी के सतह के नीचे और वाटर टेबल के समांतर, और चौथा है पृथ्वी के सतह के नीचे और वाटर टेबल के नीचे। ऑप्शन नंबर इसका बी, पृथ्वी के सतह के नीचे और वाटर टेबल के ऊपर। तो वातन क्षेत्र पृथ्वी की सतह और वाटर टेबल के बीच स्थित है, यह क्षेत्र मिट्टी और चट्टानों से बना है। 26 नंबर प्रश्न, मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन चार है, पहला भारत और नेपाल, दूसरा है भारत और म्यांमार, तीसरा है भारत और श्रीलंका, और चौथा है भारत और बांग्लादेश। इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश सही हो जाएगा। मतभंगा नदी भारत में कृष्णगंज से होकर गुजरती है, यह नदी कई भागों में बटी हुई है। 27 नंबर प्रश्न है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर, और चौथा है गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है, यह गर्म जल स्रोत चर्म रोग के उपचार के लिए उपयोगी माना जाता है। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर्वत को फाइव ट्रेजरस ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? ऑप्शन चार है, पहला लोहत से, दूसरा है गोडविन आस्टिन, तीसरा है कंचनजंगा, और चौथा है धौलागिरी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, कंचनजंगा सही हो जाएगा। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। 29 नंबर प्रश्न, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, और चौथा है कर्नाटक और गोवा। तो इसका ऑप्शन नंबर एक, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य 1949 में शुरू हुआ था और 1953 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 127 मेगावाट है। 30 नंबर प्रश्न, सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन चार है, पहला गुजरात, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, और चौथा है महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से हो जाएगा। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित हैं, यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। 31 नंबर प्रश्न, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन चार है, पहला राजस्थान, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है गुजरात, और चौथा है महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से हो जाएगा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है, भारत का 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के सबसे बड़े नमक उत्पादक राज्य हैं। 32 नंबर प्रश्न, भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ऑप्शन चार है, पहला कर्नाटक, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, और चौथा असम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक से हो जाएगा। कर्नाटक भारत के कुल उत्पादन का 60% कच्चा नमक उत्पादित करता है। 33 नंबर प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ऑप्शन चार है, पहला 1985, दूसरा 1986, तीसरा 1987, और चौथा 1988। ऑप्शन नंबर इसका सी, 1987 से हो जाएगा। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इससे पहले अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। 34 नंबर प्रश्न, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, और चौथा सिक्किम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में 2,832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन चार है, पहला जमुना, दूसरा पद्मा, तीसरा मेघना, और चौथा कालिंदी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, पद्मा से हो जाएगा। गंगा नदी इस पद्मा शाखा की लंबाई 120 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी के निकट यह मेघना नदी में समाहित हो जाती है। 36 नंबर प्रश्न, भारत में कुएर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? ऑप्शन चार, मेरा कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, और चौथा आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल से हो जाएगा। यह उद्योग से नारियल पर निर्भर है। केरल विश्व के कुल उत्पादन का 60% सफ़ेद कोयर का उत्पादन करता है। 37 नंबर प्रश्न, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? ऑप्शन चार है, पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा गोवा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल से हो जाएगा। थोरियम का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। 38 नंबर प्रश्न, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला सिक्किम, दूसरा मेघालय, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, और चौथा मणिपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। 39 नंबर प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा और आंदमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का अनुपात क्या है? ऑप्शन चार है, पहला 2:1, दूसरा 2.5:1, तीसरा है 3:1, और चौथा है 3:5:1। तो इसका ऑप्शन नंबर 2:5:1 से हो जाएगा। भारत की कुल
तटरेखा 7517 किलोमीटर है, प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा 5423 किलोमीटर है, जबकि आंदमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप की तटरेखा की लंबाई 2049 किलोमीटर है। 40 नंबर प्रश्न है, मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान, और चौथा है राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान सही हो जाएगा। मालवा पठार मध्य भारत में स्थित है। यह पठार लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ अपने चैनल पर, और आपको डेली 10 प्रश्न जो हैं इतिहास भूगोल के मिलते रहेंगे, और साप्ताहिक करंट अफेयर में मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ जो आपको मंडे को मिलेंगे। 41 नंबर प्रश्न है, 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया? तो ऑप्शन चार है, पहला तूतीकोरिन, दूसरा है मोरमुगाओ, तीसरा है एनोर और चौथा है पोर्ट ब्लेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर से हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह आंदमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 42 नंबर प्रश्न, बाबा बुदन पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक और चौथा गुजरात। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक सही हो जाएगा। बाबा बुदन पहाड़िया कर्नाटक के चिंगमंगलूर में स्थित है। यह समुद्र तल से 1895 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 43 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन चार है, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और चौथा है राष्ट्रीय राजमार्ग 10। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 रखा गया है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? ऑप्शन चार है, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग 31A, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग 32A, तीसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग 28 और चौथा है राष्ट्रीय राजमार्ग 26A। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग 31A सही हो जाएगा। यह राजमार्ग मुख्य रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल में स्थित है। 45 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला गुजरात राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हरियाणा से हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। 46 नंबर प्रश्न, तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला कर्नाटक, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा ओडिशा और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ओडिशा से हो जाएगा। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित है। इस पावर प्लांट को फरवरी 1968 में कमीशन किया गया था। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 460 मेगावाट है। 47 नंबर प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला दिहंद, दूसरा महानदी, तीसरा स्वर्णरेखा, चौथा भार्गवी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी महानदी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। 48 नंबर प्रश्न है, स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ऑप्शन चार है, पहला चीन, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए चीन सही हो जाएगा। स्टील वेल रोड भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। 49 नंबर प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। आज के लिए थैंक यू।